हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट जियोग्राफी है, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जियोग्राफी का हम क्या लेकर के चलें? एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े तो मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी ठीक है, अगर नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ो। और मैं इस तरह बताऊंगी कि आपका पीसीएस प्री और आरओ का प्री मेंस दोनों निकले, साथ में आप पीसीएस मेंस भी लिख लें, ठीक है। मैं कहूंगी कि पहले बेसिक बुक पढ़ लें, जैसे कि एनसीईआरटी हुआ, तो बेसिक बुक पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप महेश वड़वाल पढ़ लें, ये तो हुआ आपको बुक क्या पढ़नी चाहिए। अब उन बच्चों की मैं बात कर लेती हूँ जिन बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, मतलब उनके यहाँ से उड़ जाता है पूरा कि जो है ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर आपके अंदर आपकी कमी नहीं है, आप बुक पढ़ रहे हैं बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, तो आपका ना बेसिक ही नहीं क्लियर हो रहा है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप किसी एक टीचर को पकड़ लो। लेकिन आप ना फिर फी की बात आ जाती है कि फीस बहुत महंगी रहती है, तो मैं कहूँगी कि आप ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार खान सर का देख लो। वो ना छोटे बच्चों को लेकर के वो अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वो भले ही इस फील्ड में लोग कहेंगे अब क्या यूपी पीसीएस के लिए खान, मैंने लोगों को सुनते हुए देखा है, बट मेरी मानो अगर आपको ना बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप खान को पहले पढ़ लो, उसके बाद जो है आप एक एडवांस बुक ले लो महेश वड़वाल की। सबको पता होगा महेश वड़वाल के बारे में, आप एक एडवांस बुक ले लो और उसी बुक को फिर कंप्लीट करोगे, वो कंप्लीट होता है। मैं आपको बताऊं पर्सनली, मुझे जब ज्योग्राफी में मुझे प्रॉब्लम होती थी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था मेंस लिखने में, प्री के लिए तो मैंने फैक्ट चीजें यूं कहें मैंने बार बार पढ़ के समझ लो कि रट डाली थी, तो मेंस के लिए मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरा रिवीजन नहीं हो पाता था कि एक तरफ याद करो दूसरी तरफ भूल जाते थे। तो ये हुआ, मैंने ना अभी आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग देखा हो रेगुलर, तो मैंने ना खान सर का ज्योग्राफी का एक बार सुना, मैंने उनको, वो लिखवाते नहीं है, उन्होंने अपने नोट्स देते हैं, तो आपको नोट्स पढ़ने हैं तो ठीक है आप ले लेना। मैंने उनको पूरा लेक्चर उनका कंप्लीट किया, उसके बाद जो है मैंने जब महेश वड़वाल के लिए कॉन्सेप्ट मतलब मेंस लिखने के लिए किया ना, तो मेरा अच्छा खासा लिख जाता है। तो आप अगर, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप पहले क्या करें कि खान सर का 200 रुपये में आपको आई थिंक मिल जाएगा, रिकॉर्डेड पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप जो है खान सर को ले लो, उसके बाद जो है आप उनका कंप्लीट कर लो, ये आप खान सर का कंप्लीट हो, उसके बाद आप महेश वड़वाल ले लेना, और महेश वड़वाल लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी आपका ये कंप्लीट हो रहा है। अगर महेश वड़वाल आप नहीं पढ़ना चाहते, आपको मोटी लगती है, तो आप क्या करें, या तो लूसेंट या परीक्षावाड़ी में से कोई एक किताब ले लें। मैंने महेश वड़वाल पढ़ी है, ना कि लूसेंट और परीक्षावाड़ी मैंने नहीं पढ़ी, इसलिए मैं आपको महेश वड़वाल बता रहा हूँ, बट परीक्षावाड़ी और लूसेंट मैं कहूँगी कि आपको अगर इन दोनों में से कोई एक लेना है तो आप लूसेंट ले लेना। तो इस तरह से आप अपने एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये मैंने प्री और मेंस के लिए बताया, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा आपका नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खान का पहले लेकर के एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जो है महेश वड़वाल या लूसेंट ले लेना, ठीक है। और टेस्ट के लिए आप अपना टेस्ट वगैरह रेगुलर लगाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लग जा रहा है ये। तो ये रही पूरी ज्योग्राफी की, आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में